दोस्तों आज का ब्लॉग हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले आप लोगों को गुड मॉर्निंग। आज बहुत खुश है क्योंकि आज का ब्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं होटल रेसिडेंसी से। और मेरे पीछे देखिए क्या है, थार, महिंद्रा थार 1 एंड 2, 4x4 दो थार रखा हुआ है। और फ्रंट से आप लोगों को, और पता है कौन आए हुए, JS पाजी, डिनो भाई और भी बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर यहाँ पे आए हुए हैं। तो उनका मीटअप है आसनसोल में होटल रेसिडेंसी के पास में। आज का दिन है 3 मार्च 2021, तो हम भी यहीं पे आए हुए हैं, तो अभी उनसे मिलेंगे। अभी वो लोग होटल के अंदर है, इस होटल के अंदर, और हम बाहर में कर रहे हैं फ़ोटोशूट। और अभी आप लोग दिखाता हूँ रॉकेट और निंजा, यहाँ पर अपाची 310, और ये भाई आप लोग जानते होंगे रॉकेट बवाल मशीन, ये है निंजा H2। काफ़ी बड़े बड़े बाइक आए हुए हैं, R3 हो गई, निंजा H2, और ये है खतरनाक मशीन रॉकेट एंटॉर्क रॉयल एनफील्ड, और ये काफ़ी खूबसूरत R15 सजाया हुआ भाई ने, R3 है। अच्छा ये भी R3 है। ओ थार 4x4 भाई, सब एडवेंचर यहाँ पे, सब एडवेंचर। ये भी जो आप देख रहे हैं जीप, ये एडवेंचर जीप है। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है आज के ब्लॉग में, और मुझे भी खुशी हो रहा है आज के ब्लॉग, और इतने भीड़ भाड़ में पहली बार इतने कॉन्फिडेंस के साथ बना रहा हूँ, नहीं तो अनकम्फर्टेबल लगता था। और सब अपने जैसे भाई लोग हैं, इसलिए थोड़ा मुझे लग रहा है कॉन्फिडेंस आया। सिटी रेसिडेंसी आसनसोल, और यहाँ पे कम से कम 200 से 300 बाइकर आए हुए हैं, JS पाजी और डिनो भाई और भी काफ़ी सारे बड़े यूट्यूबर से मिलने के लिए, और जिसमें मैं भी हूँ। बहुत सारे बाइकर यहाँ पर आए हुए हैं। अंदर जाके बैठने के लिए, तो चलिए चलते हैं अंदर। क्या है कार्पेट तो यहाँ पे हमें वेट करना है, और यहाँ पे आएंगे सर लोग, और यहाँ पे बॉक्स वगैरह माइक वगैरह है। यहाँ पे चेयर है हम लोगों के लिए बैठने के लिए, और यहाँ पे लाइटिंग काफी अच्छा है, और पूरा एसी वाला रूम भाई। यहाँ पे फ्री में ब्रेकफास्ट भी करवाया जा रहा है, इसके लिए यहाँ से लाइन बना सकते हैं, और यहाँ पे फ्री में ब्रेकफास्ट करवाया जा रहा है, जिसमें ये 4 स्लाइस के पीस मिले हैं ब्रेड के, और ये टमेटो केचप, और ये प्याज का पकौड़ा जिसको प्याज हम लोग बोलते हैं, तो ये ब्रेकफास्ट में मिल रहा है। और एक कॉफ़ी और चाय आप ले सकते हैं फ्री में, यहाँ पे ब्रेकफास्ट करवाया गया। तो
गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कितने बाइकर कितने राइडर यहाँ पे आए हुए हैं यूनाइटेड 2021 के लिए। और यहाँ पे एक सर हैं और एक सर आए हुए थे, वो चले गए, बाकी ये अपने दोस्त हैं। और ये सर से मैं फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ और काफ़ी अच्छा लगा यार। और एक सर यहाँ पे उनके साथ भी सेल्फी हो गया, काफ़ी अच्छे है। इन्होंने मुझे ये वो चीज़ देख के ही पहचान लिया था, ये जो मैं ये लगाया हूँ और ये जो टी शर्ट पहना। ये रहे बिपिन दा अपने TVS AOG के मेंबर। यही तो है सिटी ऑफ ब्रदरहुड। ब्रदरहुड हमेशा फैलता है कि नहीं? और मैं हमेशा बोलता हूँ ब्रदरहुड इज लाइक अमीबा। अमीबा होता है वो धीरे धीरे फैलता है फैलता है फैलता है फैलता चला जाता है। तो हमारी बाइकिंग ब्रदरहुड भी ऐसा ही है, धीरे धीरे फैल रहा है, बहुत फैल रहा है। जब हम लोग पहली बार आनंदपुर आए थे तब कोई एक दो लोग मिलने आए थे, फिर अगली बार आए थे और बढ़ गए। आई थिंक मुझे ऐसे ही लगता है अगर अगली बार ऐसे ही चलता रहा और ऐसे ही प्यार मिलता रहा तो अगली बार स्टेडियम। एक बार बोलेंगे यस सर। अगर ये बोल ही रहे तो बोलते हैं आई नो बाइकर, वी आर बाइकर, आई नो बाइकर, वी आर बाइकर, आई नो बाइकर, वी आर बाइकर। इतने सारे शुरुआत हो ही नहीं सकती सी, जब सब लोग आ ही रहे हैं तो आप लोग सारे बैठ जाओ, वी विल क्विकली स्टार्ट। थैंक यू सो मच सर। जो अभी हमारे नेक्स्ट हैं दैट इज नॉट अ ग्रुप इट्स एन इंडिविजुअल एक्स आर्मी मिस्टर मिहिर कुमार मंडल। सर ये दुर्गापुर एओजी बंगाल चैप्टर अपाचे ओनर्स ग्रुप। फिलहाल ये यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा दो लाइन गाना चाहेंगे क्योंकि ये इनको शौक है, बहुत अच्छा सा गाना गाते हैं। जैसे वो है हमारे डांसिंग स्टार और ये है हमारे सिंगिंग स्टार। तो बोलो भाई दो लाइन। जानो सभी कछे बोले आस्ते बरन देखते तरना तरना चोग जोटो ताना ताना जानो सभी बोले भालो हास्ते पोरे चलन साड़ी आगे।
BHP and with all of you. So, सही में इतना अच्छा लग रहा है, I'm getting goosebumps now. The kind of love that you are showing toward us. कि कहीं पे चार पांच साल पहले one common man had started a channel to make a difference and to highlight biking culture. अभी इतने सारे youngsters आके who are the future of biking community. दिल बहुत खुश हो गया यार, कुछ तो किया है ये पांच छह साल में. So thank you so much for having us over. धीरू भाई दिल खोल के नाचेगा, भाई मैं आ गया हूँ अभी घर पे, और घर पे आने के बाद मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ. और मैं सुबह निकला था घर से 7 बजे, और चार्ज करीबन 86% था मेरे मोबाइल में, और वहाँ पे करीबन 7:30-8 बजे से ही कंटिन्यू वीडियो बनाते रहा. 12:30-12 बजे तक मीटअप का इवेंट चलते रहा, तो मेरा चार्ज हो गया था ख़त्म. और JS पाजी आए थे करीबन आधा एक घंटा वहाँ पर रुके थे इवेंट में मीटअप के टाइम, तो उस टाइम मैं क्लिक नहीं कर पाया क्योंकि इतना सारा भीड़ हो गया था उस टाइम. और सबको बोल दिया गया था कि आपको फ़ोटो क्लिक करने के लिए टाइम दिया जाएगा, बाद में मिलेगा, तो उस टाइम पर सबको हटा दिया गया था. उसके बाद इवेंट ख़त्म होने के बाद JS पाजी अपने होटल रूम में चले गए, और वहाँ से 1.5 घंटे के बाद इवेंट ख़त्म होने के बाद वो नीचे आए थे. उसके बाद सबको लाइन में लगाया गया कि आप आइए एक एक करके, जिनको भी फ़ोटो क्लिक करना है और मिलना है JS पाजी से तो वो मिल सकते हैं. तो उस टाइम तक मेरा हो गया था चार्ज ख़त्म, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, कैप्चर नहीं कर पाया. बाकी पर सच में बहुत मज़ा आया, सब पहली बार सबसे मिला, और कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे बाइक पे मतलब रियल में देखने मिलेगा और बैठने मिलेगा. और रियल में देखने भी मिला, बैठने भी मिला, और कभी सोचा नहीं था कि JS पाजी से फेस टू फेस मतलब बात भी होगा, देखने भी होगा. तो भाई कुछ भी हो सकता है, आज बिलीव हो गया. तो मज़ा आया, जो भी है मज़ा आया. और आपको आने वाले ब्लॉग में भी आपको और भी कुछ दिखाएंगे, जिस पे मैंने आपको बताया था विपिन भाई भी ये TVS AOG के थे, और उनसे अगर मैं रिक्वेस्ट करता तो वो पर्सनली वो मुझे JS पाजी से होटल में मिलवा देते, क्योंकि सारा आसनसोल का देख रेख वही कर रहे थे. हम लोग एक साथ में राइड करते हैं, लंच वगैरह डिनर वगैरह सब एक साथ में हम लोग करते हैं. और अभी बर्दवान में JS पाजी गए थे, वहाँ भी जो शंकर दा है उनसे भी जान पहचान है, काफ़ी अच्छा है. नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को विपिन दा और शंकर दा दोनों का बारे में बताऊँगा. विपिन दा का पैर नहीं है, दोनों पैर कटा हुआ है, इससे आप ये क्लिप देख सकते हैं. सो पाजी, रियल बाइकर से आज मुलाकात होगी विपिन साहब. सो यू कैन शेयर व्हाट हैज हैपेंड. ही इज लॉस्ट बोथ हिज लेग्स व्हाइल राइडिंग. ट्रेन एक्सीडेंट. अच्छा, बट स्टिल ही कंटिन्यूज टू राइड इवन टू दिस डे.
और एक्स बीएचपी के वो लोग भी मेंबर हैं। तो अभी इस ब्लॉग का करते हैं एंड और आने वाले कुछ टाइम में आपको नेक्स्ट ब्लॉग देखने को मिलेगा मेरे चैनल पे। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर भी कर दे। तब तक के लिए राइड विथ बाइक।